इमली को बापा की कृपा की बहुत जरूरत है। वैसे तो सीता मैया हैं उनके साथ, लेकिन सीता मैया के पुत्र यानी कि विघ्नहर्ता अगर इमली का साथ दे देंगे तो आज मालिनी की माँ के मुंह से कोई बड़ा राज जरूर उजागर हो जाएगा, क्योंकि इमली कोशिश तो कर रही है। रात के अंधेरे में यूं लड़खड़ाते हुए आखिर अनु को यहाँ पर लाया किसने? ये घर तो मालिनी का नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो लड़की खड़ी है वो तो मालिनी के जैसी लग रही है। अब वो क्या है ना, अंधेरे में कुछ राज खोलने की कोशिश हो रही है, और ये कोशिश कोई और नहीं बल्कि इमली कर रही है। जरा देखिए, आज वो हूबहू मालिनी की तरह तैयार हुई है। शराब के नशे में वो अनु को धोखा देना चाहती है। अनु के मुंह से वो सारी बातें कबूलवाना चाहती है जो मालिनी और उसने मिलकर की है, जिसमें आज घर वाले भी उसका साथ दे रहे हैं। वो आप कहाँ से लेकर आई थी? कहीं ऐसा ना हो ना कि इमली उसी इंसान को पकड़ के लाए जिनसे आपने वो बॉडी ली थी। ठीक है, ऐसा सबूत देती है, हम लोग रहते तो साथ। वाह, सबूत। अब इमली की कोशिश रंग लाने ही वाली थी कि एन मौके पर मालिनी की एंट्री हो गई और सारा मामला चौपट हो गया। इमली मेरी मॉम को ट्रिक कर रही थी और आप सब इसे देख रहे हैं। मैं तो आप सब नहीं सुनो मेरी, इमली से ये था कि आज तक चाहिए कोई काम करती, लेकिन आप थे आदित्य, आप भी। मालिनी के भड़कने के बाद आदित्य भी भड़क गए इमली पर। नहीं, ये सही तरीका नहीं है सबूत इकट्ठा करने का। जाकर उन दोनों से माफी मांगो। इमली, हमने देख ली तुम्हारी फोटो, कुछ साबित हुआ? जाओ जाकर उनसे माफी मांगो। ए जमाई बाबू, ए तो मालिनी, मालिनी जो है पके आम की तरह बीच में टपक गई और सब गुड़ का गोबर कर दिस, ऊपर से सब उनका माफी मांगे के कहे तो काहे मांगे ही माफी। नानी प्लीज, आप प्लीज पति पत्नी के बीच में मत दूंगी। अब इमली, लगता है कि आपके सितारे इन दिनों गर्दिश में चल रही हैं, तभी तो एक के बाद एक आपके सारे प्लान फेल होते नजर आ रहे हैं। तो भाई कुछ करिए, क्योंकि टीवी की बहू यू बार बार फेल हो ये अच्छा नहीं लगता है। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।